हरियाणा एच 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 2 वर्ष पहले मधुमक्खी लड़ने से हुई थी इकलौते छोटे भाई की मौत। 80 वर्षीय पिता को 4 बेटियों ने दिया कंधा, खुद मुखाग्नि दी। शुक्रवार को सिसाना गांव में 80 वर्षीय ट्रैक्टर मिस्त्री करतार का बीमारी के कारण निधन हो गया, जिसके परिवार में केवल 4 बेटियां थी, जिन्होंने अपने पिता के निधन पर चारों ने एक साथ कंधा दिया और अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि सिसाना गांव में एक निर्धन परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ करीब 2 वर्ष पहले उस समय टूटा था जब 4 बहनों के इकलौते छोटे भाई की उस समय मौत हो गई जब वह BS का एग्जाम देने के लिए रोहतक जा रहा था और गड्डी सिसाना मोड़ पर उसको एक जहरीली मधुमक्खी ने काट लिया, जिसके चलते पहले वह बेहोश हुआ फिर उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि करतार सिंह बेहद ईमानदार एवं शरीफ व्यक्ति हैं, जिसकी 4 बेटियां एक लड़का है। लड़के का पहले निधन हो चुका है। हाँ जी, आज जो करतार सिंह का देहांत हो गया और उनकी जो 4 बेटियां थी उन्होंने आज अपने पिता को कंधा दिया और मुखाग्नि दी। ऐसी बेटियां परमात्मा सबको दे। करतार सिंह जी क्या काम करते थे? करतार सिंह जी ट्रैक्टर के मिस्त्री थे और वे लंबे समय से बीमार चले, तकरीबन उनकी उम्र 80 साल की हो चुकी थी। यह जो आप जलती हुई आग देख रहे हैं और काला धुआं आकाश में उड़ता देख रहे हैं, यह किसी फैक्ट्री का धुआं नहीं बल्कि खरखोदा नगर पालिका का फेलियर है। खरखोदा सापला बाईपास पर नगर पालिका की अनदेखी के चलते कूड़े के ढेर में लगी आग, NGT के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। खरखोदा नगर पालिका सापला बाईपास चौराहे से कूड़े को पूरी तरह से साफ करने में असफल रही है। हालांकि इस कूड़े के उठान पर नगर पालिका करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। यहां अभी भी कई होटलों व ढाबा संचालकों द्वारा कचरा डाला जा रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आसपास के किसानों को इस कूड़े के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर पालिका यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी प्रदूषण रोकने में फेल हो रही है, जिससे शहर का सौंदर्यकरण भी बिगड़ रहा है। रोहतक मार्ग स्थित बिरला अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में शुक्रवार को जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 15 जिलों के 170 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारम्भ विद्यालय चेयरमैन कुलदीप दहिया व भीम अवार्डी खिलाड़ी अमित कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भूतपूर्व सांसद धर्मपाल मलिक थे। प्रतियोगिता का शुभारंभ करने से पहले भीम अवार्डी अमित कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल के प्रति बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में पहुंचे सभी खिलाड़ियों का कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया, प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा, निर्देशक प्रवीण डागर ने उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया। विद्यालय चेयरमैन कुलदीप दहिया ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारना है, इसलिए स्कूल में समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इस प्रतियोगिता में जिला कराटे महासचिव अनिल भारद्वाज व कोच विकास ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी वर्ग के मुकाबले कराए जाएंगे। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में प्रातःकालीन सभा के दौरान विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता विद्यालय के 3 सदनों सत्यम शिवम सुंदरम के बीच हुई। तीनों सदनों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मंच का संचालन गणित अध्यापिका निशा ने किया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय प्राचार्य उषा वस व निर्देशक धर्मराज खत्री के साथ समस्त अध्यापक गण व विद्यार्थी भी मौजूद थे। जज की कुर्सी का भार विज्ञान अध्यापिका शिल्पा ने संभाला तथा प्रतियोगिता के होस्ट विज्ञान अध्यापक सुमित रहे। इस प्रतियोगिता में 3 राउंड हुए, जिनमें से 2 राउंड में विद्यार्थियों से 5-5 प्रश्न पूछे गए, जिनमें सही जवाब के लिए अंक दिए गए। 3रा राउंड रैपिड फायर राउंड था, जिसमें बच्चों के 2 मिनट का समय दिया गया, जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने थे। प्रतियोगिता के अंत में विजेता टीम का चयन किया गया, जिसमें सत्यम सदन ने बाजी मारी व पहले स्थान को प्राप्त किया। शिवम 2 स्थान पर तथा 3 स्थान पर सुंदरम रहा। 900 साल हो गए होंगे गांव ने बसे ने। उस टाइम से और आज तक कभी भी गांव में बस का क्यों सेंटर नहीं बनाया था, क्यों सेंटर बनवाया? ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।